हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद श्रद्धा। मेरा नाम है श्रद्धा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही जल्दी बनती है। आज मैं बनाने वाली हूँ कॉइन पराठा। इसमें मैं यूज़ करूँगी लेफ़्ट ओवर दाल, यानी जो दाल बच गई थी मैं उसको यूज़ करके ये पराठे बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 कप मल्टीग्रेन आटा लिया हुआ है। अगर आपके पास मल्टीग्रेन नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल गेहूं का आटा, होल व्हीट यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच मैं इसमें अजवाइन डालूंगी और उसके साथ ही मैं इसमें 1 छोटी कटी हुई प्याज, थोड़े से स्वीट कॉर्न, इसको मैंने उबाल लिया था, 1 मीडियम साइज़ का कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 मीडियम गाजर, इसको मैंने छील के ग्रेट कर लिया था। इसको मैं, इन सारी सब्ज़ियों को इसमें आप डाल दें और आप देख ही सकते हैं कि मैंने इसमें कितनी सारी सब्ज़ियाँ डाली हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। आप इस रेसिपी को टिफ़िन में भी पैक कर सकते हैं। और उसी के साथ मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल दूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी बची हुई दाल। मैंने तुअर दाल बनाई थी, यानी अरहर की दाल जो बच गई थी, मैं उसको इसमें डाल दूंगी। आपके घर में जो भी दाल बची हो, मूंग की और मसूर की या कोई भी दाल जो आपके घर में बची हो, आप उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनती है, हेल्दी है। आप इसको टिफ़िन में भी पैक कर सकते हैं, ऑफ़िस के लिए, स्कूल के लिए, शाम के नाश्ते के लिए। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनती है। और अब हम इसका एक आटा लगा लेंगे इसमें। अगर आपको दाल, आपकी अगर क्वांटिटी कम है तो आपको इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें क्योंकि सब्ज़ियों का भी अपना मॉइस्चर होता है। तो अगर आप पहले ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो आटा गीला हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंथते रहें। और बहुत ज़्यादा इसको, आटे को टाइट नहीं रखना है, डो को बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है, मीडियम, जैसे कि हम रोटी या पराठे के लिए डो लगाते हैं वैसे ही डो चाहिए हमें। ये देखिए हमारा डो जो है वो लग गया है इस तरह से। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखूंगी ढक के, करीब 10 से 15 मिनट। तब तक आप इसको अच्छे से इस तरह से डो को आप बना लें और उसको आप एक प्लेट से ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी है हमारे डो की और अब ये बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको ढक के रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा जो आटा है वो बिल्कुल सेट हो चुका है पराठे बनाने के लिए। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस पराठे को कोई भी शेप दे सकते हैं, मतलब एक बड़ी सी रोटी बना के आप कुकी कटर से जो भी शेप आपके बच्चों को पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। फिलहाल मैं कोई शेप की नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल पराठा जो हम खाते हैं वैसे ही हम बनाएंगे। इसके लिए हमें थोड़ी बड़े साइज़ के पेड़े बनाने पड़ेंगे। जो नॉर्मल हम पराठा या रोटी के लिए पेड़े लेते हैं उससे थोड़ा साइज़ बड़ा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतले नहीं होते हैं। इन पराठों को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़े मोटे रखने हैं, तभी ये टेस्ट जो है इसका वो अच्छा आता है। अगर आप इसको बहुत पतला बेल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा च्यूई और थोड़े से सख्त से हो जाएंगे पराठे, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं बेलना है। तो इसको आप एक बार रोल कर लीजिए और जैसे हम नॉर्मल रोटी या पराठे के लिए सूखे आटे में लपेटते हैं वैसे हम इसको एक बार लपेट लेंगे बेलने से पहले। और अब मैं इसको बेलूंगी। मैंने एक साइड तवा को चढ़ा दिया है मीडियम फ्लेम पे जिससे कि वो गरम भी होता रहे। और अब मैं इसकी एक रोटी बेल लूँगी। थोड़ा सा बेलने के बाद इसमें दोबारा एक बार हमें सूखा आटा लगाना पड़ेगा इस तरह से। और आप इसको वापस से थोड़ा और बड़ा बेल लें, बहुत ज़्यादा पतला मत करिए फ्रेंड्स। ये देखिए ये हमारी रोटी बनके तैयार है। इससे ज़्यादा हमें पतला इसको नहीं करना है। ये देखिए इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। देखिए अब तवा हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसको इस पर डाल दूंगी और कुछ ही सेकंड में आप ये देखेंगे इस पर वाइट स्पॉट्स आ जाएंगे, जैसे कि ये ड्राई हो जाता है, जो मॉइस्चर है उसका अब्जॉर्ब होने लगता है। ये देखिए अब हम इसको फ्लिप कर देंगे एक बार। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। आप इसमें रिफाइंड ऑयल, घी या बटर, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, जो आपके बच्चों के लिए हेल्दी हो या जो भी आप घर में खाते हैं आप वो उसमें लगा सकते हैं। मैं राइस ब्रैन ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और फिर से एक बार पलटने के बाद ऑयल लगा देंगे और इनको मीडियम टू हाई फ्लेम में अच्छे से सेक लीजिए दोनों साइड।
दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैंने सारी इंग्रेडिएंट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, तो बनाने से पहले एक बार रेसिपी को उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको रेसिपी बनाते समय आसानी हो। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आप उसके थ्रू भी उस लिंक के थ्रू जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, तो अगर आप कोई और रेसिपी भी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आगे और कौन कौन सी रेसिपी पोस्ट करूँ आप सबके लिए, मैं उसको ज़रूर पोस्ट करूँगी। सो दोस्तों ये जो पराठा है वो बन के इसी के साथ साथ रेडी हो चुका है, मैं इसको सर्व करूँगी। थोड़ी सी दही, और उस दही में मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर और काला नमक डाला हुआ है, और उसी के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। आप इसको साथ अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी पे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा याद रखिए दैट हैप्पीनेस इज़ होममेड।